मित्रों मैं आश्चर्यचकित हूं, हमारे अध्यक्ष जी ने मंडप भी नहीं लगाया है, इतनी चिल चिलाती धूप में जहां तक नजर पहुंचे दूर पहाड़ियों पर, वृक्षों के नीचे, रोड पर, मैदान खचोखच, जहां तक नजर पहुंचे भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ती है। आपके प्यार को मैं प्रणाम करना चाहता हूं मित्रों। मित्रों महर्षि वाल्मीकि की भूमि मोहनदास गांधी को महात्मा मोहनदास गांधी बनाने वाली ये भूमि, इस चंपारण की भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो भूमि है मौर्य साम्राज्य का शासन यहां सालों तक चला, चंद्रगुप्त मौर्य, महामात्य चाणक्य और सम्राट अशोक ने यहां शासन किया, ये भूमि बहुत पवित्र भूमि है। मित्रों नील विद्रोह के किसानों के नेता पंडित राजकुमार शुक्ल जी को मैं प्रणाम करता हूं और स्वतंत्रता सेनानी महंत धनराज पुरी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों मैं आज यहां आया हूं तब सीधी ही बात करना चाहूंगा, आप सभी लोग चिल चिलाती धूप में खड़े हैं, मैं आपको ये पूछने आया हूं कि विधानसभा के चुनाव में, गत विधानसभा के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया या नहीं बनाया? जोर से बोलो, बनाया या नहीं बनाया? जदयू से ज्यादा सीटें भाजपा की थी या नहीं थी? फिर भी मोदी जी ने डबल इंजन सरकार अच्छे से चले और हमारा वादा था कि हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमने बनाया। मगर नीतीश बाबू भी ऐसे व्यक्ति है कि हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री का स्वप्न आता है, हर 3 साल में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।